हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके कमेंट पढ़कर और उनके रिप्लाई करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनसे मोटिवेशन तो मुझे मिलता ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रैवलिंग फूड प्रिपरेशन फॉर एब्रोड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहीं से ही आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी इटली ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने कुछ फूड प्रिपरेशन की है, मतलब फूड प्लानिंग की है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हम लोग एक्चुअली वेजिटेरियन हैं, तो हम लोगों को बाहर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यूके का तो हम लोगों को आइडिया है कि किस स्टोर में क्या मिलेगा और कहाँ पे इजीली खाना अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी इटली का तो हमें आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने साथ मैं थोड़ा कुछ कैरी करूँ, क्योंकि अनवित भी अभी छोटा है और उसके खाने के थोड़े से नखरे हैं जो हर बच्चे के होते हैं, तो मुझे ऑलवेज अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इटली में काफ़ी जगह होटल बुक कराया है और काफ़ी जगह किचन अपार्टमेंट बुक कराया है। तो हम लोगों ने एयरबीएनबी के थ्रू बुक कराया है, क्योंकि एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। और किचन अपार्टमेंट हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ भी ट्रैवलिंग करें तो किचन अपार्टमेंट ही बुक कराएं, क्योंकि कुक करना इजी हो जाता है और आप रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा पास्ता भी नहीं खा सकते। एटलीस्ट हम तो मतलब नहीं खा सकते, क्योंकि इतना हैबिट नहीं है पिज़्ज़ा पास्ता रोज खाने का। और जितना मैंने सुना है कि इटली का पिज़्ज़ा वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है हम जो इंडियंस खाते हैं उससे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने जो मील की प्लानिंग है वो कैसे किया है। इस ट्रिप की मील प्लानिंग एक्चुअली मैंने 15 डेज पहले ही कर ली थी, क्योंकि इन 15 डेज में मैंने प्रिपरेशन भी कर ली जो मुझे इंस्टेंट मिक्स बनाने थे, और फिर मार्केट से जो सामान आना था वो भी इजीली आ गया, क्योंकि लास्ट डेज में मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा भागम भागो, तो हैजल फ्री चाह रही थी मैं अपने लास्ट डेज। तो इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसका मील प्लानिंग किया। तो मैंने एक्चुअली इटली में हम जिस सिटी में भी रुकने वाले हैं तो वो सिटी मैंने यहाँ पर लिखा, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर में हम लोग क्या करेंगे तो वो भी मैंने सब ऐसे लिखा, और मैंने ये देखा कि हम लोग किस सिटी में होटल बुक कराया है और हमने किस सिटी में अपार्टमेंट लिया है। तो क्योंकि जहाँ पे अपार्टमेंट है वहाँ किचन है, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा कुक करना, लेकिन वेनिस और मिलान उसमें हमारे पास किचन नहीं है, वहाँ पर हम लोगों ने होटल बुक कराया है, तो वहाँ पर हमारे पास माइक्रोवेव अवेलेबल है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी कुछ फूड प्रिपरेशन की है जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे मुझे जॉट डाउन करके थोड़ा इजी हो गया, और मैं ये अपने साथ कैरी भी करूंगी, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं कि मैंने क्या सोचा था और क्या नहीं, तो इससे मुझे बहुत इजी हो जाएगा। तो ये है बैग जिसके अंदर मैं अपना पूरा फूड आइटम कैरी कर रही हूं, तो मैं इसमें से आपको वन बाय वन दिखाती हूं। तो ये है सब फूड आइटम जो मैंने अपनी मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग रखे हैं, मैं भी आपको उनको वन बाय वन दिखाती हूँ। तो मैंने ये एक माइक्रोवेवल बाउल रखा है और कुछ डिस्पोजल प्लेट रखी हैं और स्पून्स रखी हैं, और एक ये स्टील का स्पून रखा है माइक्रोवेव में गर्म खाने को चलाने के लिए, और कुछ किचन टॉवल्स रखे हैं, क्योंकि इनिशियल के 4 डेज हम लोग वेनिस और मिलान में हैं, वहाँ पर हमारे पास होटल रूम है, तो माइक्रोवेव में कुक करने के लिए मुझे ये बाउल का ज़रूरत था, इसीलिए मैंने रखा है। इनिशियल के 4 डेज होटल में हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग मैंने कैसे की है, तो वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने एक ड्राई उपमा मिक्स बनाया है, ये इंस्टेंट मिक्स है, इसको मैं गर्म पानी के साथ मिक्स करूँगी माइक्रोवेव में, तो इसका इजीली कुक हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने अनियन और ग्रीन चिली को ड्राई रोस्ट किया है बिना ऑयल के, ताकि इसका मॉइस्चर चला जाए, और उसके बाद फिर मैंने ऑयल डालना और उसमें मैंने राई डाला है, और उसमें मैंने थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा उड़द दाल ये डाल के मैंने अनियन को बहुत अच्छे से रोस्ट किया लो फ्लेम पर,
और फिर उसके बाद मैंने इसमें सूजी मिक्स किया है, और ये सब प्रोसेस मैंने लो फ्लेम पर किया है और सूजी को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भुना है। तो मैंने सूजी रोस्ट करते वक्त ही इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, आप कुक करते वक्त भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें थिक कोस्ड सेमोलिना ली है, तो क्योंकि उपमा में थोड़ा थिक कोस्ड ही अच्छी लगती है। तो बस मैं अभी इसको ड्राई रोस्ट करूँगी लो फ्लेम पर, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसको ठंडा करके फिर मैंने जिपलॉक बैग में भर लिया है। ये मैंने ओट्स रखे हैं, इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है, और इसके साथ कुछ मैंने मैगी के मसाले के जो पाउचेज आते हैं वो रखे हैं। अगर मसाला ओट खाने का मन किया तो इसका इजीली ओवन में सॉरी माइक्रोवेव में बाउल में इजीली ओट का उपमा बन जाएगा, और अगर अनवित के लिए मुझे पॉरेज बनानी हुई तो वो भी इजीली बन जाएगी। तो उसको मैंने सेम गैस पर ड्राई रोस्ट किया है कढ़ाई में बिना ऑयल के। इसको भी मैंने कूल डाउन होने पर जिपलॉक बैग में रिफिल कर लिया। ये दोनों इंस्टेंट मिक्स का ही बहुत इजी ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट में भी हम लोग खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। और ये मैंने कुछ रेडी टू ईट मील रखे हैं जिनको हम इटालियन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इटालियन ब्रेड सुना है कि बहुत टेस्टी होती है। तो मुझे ये हल्दीराम का एक पैकेट मिला था पाव भाजी का, तो वो लिया है, और एक पैकेट गिट्स का मटर पनीर का मिला है तो वो रखा है। तो हमारा 4 डेज का काम इजीली हो जाएगा इनमें। और अगर कुछ कुक भी नहीं कर पाए, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो थोड़े मैगी के पैकेट भी रख लिए हैं, तो उनसे ब्रेकफास्ट या डिनर में जो भी करेंगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्रेड बटर भी खा सकते हैं, तो ऐसे काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे हम लोगों ने अपार्टमेंट लिया है उसके लिए मैंने क्या प्रिपरेशन की है। तो मैंने ऐसे ये एक गिट्स का पैकेट लिया है, तो ये डोसे का पैकेट है, तो जहाँ पे हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं इजीली इसको ओपन करके और डोसा बना सकती हूँ। एक बार मैंने पहले यूज़ किया है घर पर, किसी फ्रेंड ने दिया था तो वो मुझे ठीक लगा था। और ये मैंने ऐसे जमे को भी देसी घी में रोस्ट करके रख लिया है, और इनको बहुत इजी हो जाएगा कुक करना, क्योंकि फ्रोज़न वेजिटेबल तो सब जगह अवेलेबल हो ही जाती हैं, तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेंगे उनके साथ इजीली कुक कर लेंगे। तो देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बहुत बार जो घी है वो स्मेल भी करने लगता है। तो मैंने इसमें बहुत ही कम घी लिया है और इनको रोस्ट किया है, सेम इसको भी ठंडा करके रिफिल कर लिया। तो मैंने दलिया भी ऐसे ड्राई रोस्ट करके रख लिया है, क्रश्ड व्हीट जो होता है, तो इसको मैं दाल दलिया या फिर वेजिटेबल दलिया इजीली बना सकती हूँ, और रणवीर भी इजीली खा लेता है। तो मैंने दाल भी पैक की है, और ये मैंने कुछ पोहा पैक कर लिया है, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत इजी ऑप्शन है ये सब, जितने भी ऑप्शन हैं सब बहुत ही क्विक कुक हो जाएंगे। तो दाल राइस रखा है, और ये एक पुलियोगिरी मसाला भी रख लिया है, क्योंकि अगर दाल राइस खाने का मन नहीं किया तो हम लोग इजीली पुलियोगिरी राइस खा सकते हैं। और कुछ ये ड्राई मसाले पैक करे हैं जिसके अंदर मैंने क्यूमिन सीड्स रखा है, थोड़ा अजवाइन रखा है, और थोड़ा टर्मरिक पाउडर रखा है। बाकी मैंने ये मसाला रखा है जिसके अंदर सब कुछ मिक्स है जो मैंने मॉरिसन से लिया था, पेपरिका है, रेड चिली है, गार्लिक पाउडर है, पूरा कंप्लीट मसाला है, तो कुछ और डालने का ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने अनवित के लिए चॉकलेट पाउडर रखा है, तो इसमें इजी हो जाएगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाला है, तो अनवित को मैं ऐसे कोल्ड चॉकलेट मिल्क दे सकती हूँ, अगर उसने कुछ नहीं खाया पीने का मन किया तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीक का चॉकलेट पाउडर लेती हूँ उसके लिए, तो रिसेंटली उसको देना शुरू किया है तो वो इजीली पी भी लेता है। तो इन सबको मैंने स्मॉल ऐसे जिपलॉक बैग में पैक किया सेपरेटली सब मसालों को, और उसके बाद मैंने एक बड़े जिपलॉक बैग में पैक कर लिया। अपने साथ एक नाइफ भी पैक किया है, इसको मैंने फॉयल पेपर में अच्छे से रैप कर लिया है ताकि ये हर्ट ना करे और पॉलिथीन भी ना कट करे, तो ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इनिशियल डेज में एज यू नो हम लोग होटल में हैं
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्नैक्स में क्या क्या पैक किया है। तो मैंने ये कुछ मिनी मूंग दाल समोसा बनाए हैं, तो इनका रेसिपी एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले शूट किया था, लेकिन उसकी कुछ जो फोटोज़ थी वो मिस हो गई थी, मुझसे मेरा डेटा उड़ गया था। लेकिन अभी मैंने वापस फ्राई किए हैं, सॉरी वापस बनाए हैं, तो मैं अभी इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक्चुअली मैंने इसलिए पैक किया है कि अनवित बहुत शौक से खाता है और अच्छे हम लोगों को काफ़ी लगते हैं। कुछ पीनट्स फ्राई किया है तो उपमा में काम आ जाएगा और जो पोहा है उसमें काम आ जाएगा। और इसको मैंने बिना नमक के फ्राई किया तो सौरभ भी अपने फास्ट में खा लेंगे, उनका एक मंडे का फास्ट पड़ेगा। तो अनवित के कुछ सीरियल्स पैक करे हैं और ये रस्क पैक करे हैं और कुछ सेवरीज पैक करी हैं और ये गुड़ीज की मैंने रेजिन्स लिए हैं क्योंकि अनवित को रेजिन्स खाना काफ़ी पसंद है, तो क्रैंकी होता है तो रेजिन्स दे देते हैं। और मॉरिसन से लिया है वाला पैक और गुडीज का काफ़ी अच्छा रहता है। और ये मेरी मम्मी की बताई हुई एक होम रेमेडी है गैस के लिए, क्योंकि सौरभ को थोड़ा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि अगर कभी भी गैस बन जाती है तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। और फॉइल पेपर के अंदर मैंने रखी है कुछ अनारदाना की गोली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग सिकनेस है तो ये खाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। और ये मैंने कुछ टी बैग्स और शुगर पैक कर लिया फॉर इमरजेंसी, वैसे वहाँ पर अवेलेबल रहेगा लेकिन फिर भी मैंने पैक कर लिया। तो बस मैं अभी जब चलूँगी तब थोड़ा जिंजर और थोड़ी सी ग्रीन चिली रख दूँगी, क्योंकि उसके बिना ना तो मेरी चाय कंप्लीट होती है और ना ही मेरी कुकिंग कंप्लीट होती है। तो बस ये कुछ मैगी के पैकेट्स हैं और यही कुछ सामान है जो मैंने अपनी ट्रैवलिंग के लिए पैक किया है। और ये मेरी मील प्लानिंग है जो मैंने जोट डाउन की है, तो आप राइटिंग के मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग काफ़ी गंदी है, तो जैसे बोलती भी फास्ट हूँ ऐसे राइटिंग भी मेरी फास्ट रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी चीज़ें हैं वो सब ऐसे लिख ली थी। तो जो भी मैंने पैक कर लिया सबके ऊपर ऐसे टिक मार्क लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कंप्लीट ट्रैवलिंग मील प्लानिंग, तो होपफुली आपको पसंद आई होगी क्योंकि हम लोग वहाँ पे 10 डेज के लिए हैं और 10 डेज के लिए मैंने अपनी मील प्लानिंग की है, तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि उतना अंदाजा मुझे भी नहीं है, क्योंकि लंच तो हम लोग बाहर ही करेंगे तो ब्रेकफास्ट या डिनर का ही थोड़ा सा मुझे प्रिपरेशन करना था और अनवित के हिसाब से करना था। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि होपफुली आपको भी इसमें से कुछ काम की चीज़ें मिल जाए, आपको भी थोड़ा सा कुछ हेल्प कर जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।